हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आवर लैंग्वेज स्कूल। कोम इस्तान अमीगोस। दोस्तों, कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी जो कि लाइव थी 24 दिसंबर 2019 को और आज 25 है, तो उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। मैं आपको 25 दिसंबर को ये जो मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस ये बहुत ही बढ़िया दिन है। क्यों बढ़िया दिन है? क्योंकि ये बड़ा दिन है। बड़ा दिन मतलब क्रिसमस है आज, तो स्पेनिश भाषा में फेलिस नाविदाद। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह धीरे धीरे पेशेंस के साथ सीखते रहिए स्पेनिश, और जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ऑनलाइन क्लास की उसको बिल्कुल देखिए। और जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी, ये ऑनलाइन क्लास वीडियो कॉल के ज़रिए होगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो जूम एप्लीकेशन एक है वो हो, उसके ज़रिए होगी। तो जो लोग मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं जनवरी में और फरवरी में 2 महीने का मेरे पास करीब समय है जिसमें मैं ऑनलाइन क्लास आप लोगों को दे सकता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ये नए स्टूडेंट्स के लिए है, आप लोगों को फ़ीस पे करनी होगी पहले और फिर मेरी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी आपके जहन में अगर कोई डाउट है क्लास से रिलेटेड तो मुझे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया और कहा कि डॉक्टर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस स्पेनिश में बताइए। मैं जानता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे भाई जो विदेशों में रह रहे हैं और अगर वो बीमार हो गए तो डॉक्टर्स को कैसे बोलेंगे कि उनको क्या हो गया है ना, या फिर किसी अपने दोस्त को कैसे बोलेंगे भाई डॉक्टर के पास ले चलो, और मान लो ना समझ पा रहा हो तो कैसे उसको स्पेनिश में समझाएंगे। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप ध्यान से देखिएगा आखिर तक, और आखिर में मैं जो सवाल पूछूं हमेशा की तरह उसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो लोग नए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे हैं 100 से ज़्यादा वीडियो स्पेनिश भाषा को सीखने के हिंदी माध्यम से, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो उससे आपको मिलेगी नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सीखना स्पेनिश भाषा हिंदी माध्यम से। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके सर में दर्द है तो इसको कैसे बोलेंगे कि मेरे सर में दर्द है, मैं दोएले ला खबेसा। सर जो होता है खबेसा, दोएले मतलब दर्द, मैं दोएले मुझे दर्द है, मैं दोएले ला खबेसा, मैं दोएले ला खबेसा। मैं मेरे साथ दोहराया करिए, ठीक है, मैं दोएले ला खबेसा। अब जैसे आपके पेट में दर्द हो तो पेट में दर्द को क्या बोलेंगे, पेट को बोलते हैं एस्टोमागो, एस्टोमागो, एस्टोमागो। तो इसको कैसे बोलेंगे कि मेरे पेट में दर्द है, मैं दोएले एल एस्टोमागो। अब देखिए एस्टोमागो में आखिर किससे हो रहा है, ओ से एंड हो रहा है, तो इसके आगे आर्टिकल क्या लग रहा है, एल, और खबेसा जो कि आ से ख़त्म हो रहा था उसके आगे आर्टिकल लग रहा था ला। तो ये भी ग्रामर भी आप सीख लीजिए इसी पे, मैं दोएले एल एस्टोमागो। मैं ऑनलाइन क्लास में अपनी ग्रामर भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मुझे चोट लगी, मान लो आपको कहीं चोट लग गई तो आप कैसे बोलेंगे, एस्टोय एरिडो। अब एच यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, तो एस्टोय एस्टोय एरिडो, चोट मतलब एरिडो, एरिडो। अब जैसे आपको बुखार है, भाई बीमार होता आदमी सबसे पहले उसको क्या फील होता, बुखार है ना, नॉर्मल बीमारी, तो बुखार उसको कैसे बोलेंगे, टेंगो फिएब्रे, टेंगो फिएब्रे, टेंगो फिएब्रे। अगर आपसे कोई पूछे कैसे हो भाई, तो आप उसको अगर बताना चाहते हैं कि मैं बीमार हूँ, आई एम सिक, तो इसको कैसे बोलेंगे, एस्टोय एनफेर्मो, एस्टोय एनफेर्मो, एनफेर्मो। ये लड़के के लिए, अगर लड़की बताना चाहे कि मैं बीमार हूँ तो कैसे बोलेगी वो, एस्टोय एनफेर्मा, एस्टोय एनफेर्मा, ठीक है। अगला है कि मुझे बुखार है, अगला है मुझे बुखार और सर्दी है, कहते नहीं सर्दी बुखार है मुझे, तो उसको कैसे बोलेंगे, टेंगो टेंगो फिएब्रे ई फ्रियो, सर्दी मतलब फ्रियो, फिएब्रे मतलब बुखार, टेंगो फिएब्रे ई फ्रियो। अगला है दवा कहाँ मिलेगी, जैसे मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे सिर्फ स्पेनिश बोली जाती है,
तो दवा कहाँ मिलेगी इसको कैसे पूछेंगे? दोंदे दोंदे पोएदो, दोंदे पोएदो ऑब्टेनेर, ऑब्टेनेर, ऑब्टेनेर मेडिसिनास, मेडिसिनास, जैसे मेडिसिन होता है उसी को स्पेनिश भाषा में मेडिसिनास बोलते हैं, ठीक है? ऑब्टेनेर मतलब मिलना। तो दोंदे पोएदो ऑब्टेनेर मेडिसिना, दोंदे पोएदो ऑब्टेनेर मेडिसिना, मेरे साथ रिपीट करिएगा, ठीक है? दोंदे पोएदो ऑब्टेनेर मेडिसिना। अगला है, अगर आपको किसी से पूछना अस्पताल कितनी दूर है ना, तो इसको कैसे पूछेंगे? एस्ता लेखोस, एस्ता लेखोस एल हॉस्पिटल, है ना? इसको थोड़ा क्वेश्चन वाले अंदाज में बोलेगा, एस्ता लेखोस एल हॉस्पिटल, एस्ता लेखोस एल हॉस्पिटल। अगला है, अगर आपको बोलना है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो कैसे आप बोलेंगे? नेसेसितो, नेसेसितो, नेसेसितो उन डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बोलेंगे जैसे हमारे गांव में बोलते हैं डॉक्टर के यहाँ चलो, तो यहाँ पे बोलेंगे डॉक्टर। नेसेसितो उन डॉक्टर, नेसेसितो उन डॉक्टर। फिर आपको बोलना हो अगर कि गेट वेल सून, तो इसको कैसे बोलेंगे? भाई जल्दी ठीक हो जाओ, है ना? तो बोलेंगे मेहोराते, मेहोराते, मेहोराते प्रोंतो, जल्दी का मतलब होता है प्रोंतो, वेल सून का मतलब वेल, गेट वेल का मतलब मेहोराते, जल्दी प्रोंतो, गेट वेल मेहोराते, मेहोराते प्रोंतो। अगला है टेक केयर, अगर आपको बोलना है किसी को टेक केयर प्लीज, है ना, तो उसको कैसे बोलेंगे? कुइदाते, कुइदाते, कुइदाते। जैसे बोलते हैं गुड नाइट टेक केयर, तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि बोइनस नोचे कुइदाते। अगर आप इसमें टेक केयर टू मच, तो अगर आप बोल सकते हैं इसमें कुइदाते मूचो, है ना? अगला है आई फील पेन, तो इसको कैसे बोलेंगे? सिएंतो डोलोर, सिएंतो डोलोर, सिएंतो डोलोर। दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं तेंगो डोलोर, मुझे दर्द है, तेंगो डोलोर, तेंगो डोलोर। अगला है प्लीज कॉल द एम्बुलेंस, तो इसको कैसे बोलेंगे? पोर फावोर जामे आला एम्बुलेंसिया, एम्बुलेंसिया, पोर फावोर कृपया, मतलब पोर फावोर या प्लीज, जामे कॉल आला एम्बुलेंसिया, एम्बुलेंसिया, पोर फावोर जामे आला एम्बुलेंसिया। और आखिरी सेंटेंस है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, ठीक है? तो इसको कैसे बोलेंगे? जेवा में, जेवा में अल डॉक्टर, जेवा में अल डॉक्टर, जेवा में अल डॉक्टर। तो दोस्तों ये मैंने जो 15 वाक्य बताए हैं, इनका अभ्यास बड़ी अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि कभी खुदा ना खास्ता आप अगर आप इमरजेंसी में किसी फंस गए, एमरजेंसिया, इमरजेंसी में अगर आप फंस गए, तो समझ लीजिए फिर यही वाक्य काम आएंगे। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिए, कुइदाते मूचो, और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मुझे बुखार है, दवा कहाँ मिलेगी, और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और आखिरी मेरे सर में दर्द है। ये सारे वाक्य को कैसे हम स्पेनिश भाषा में बोलेंगे, मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आप लोग इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, अडियोस, कुइदाते मूचो। प्लीज ऑल माय डियर फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, बिकॉज योर लाइक इज अ बिग बिग मोटिवेशन फॉर मी, एंड आई वांट टू हेल्प सो मेनी पीपल ऑफ द वर्ल्ड फॉर लर्निंग हिंदी, सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस रेड बटन टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू अपलोडेड वीडियोज़।